दोस्तों, एक अलग ही आनंद का अनुभव है यहाँ पे भाई। अपने आप सेल्फ वोटिंग करो, लेकिन पूरा मजा आ रहा है। ये देखो, दोस्तों फिलहाल दर्शन तो हो गए और काफी ज्यादा मजा आया। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आयुष कश्यप ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक यूनिक जगह घूमने। आपने नैनीताल सुना होगा, आपने भीमताल सुना होगा, लेकिन हम जा रहे हैं तालों में ताल, सात ताल। वहाँ पे सात ताल इकट्ठे, जैसे नैनीताल में एक लेक है और भीमताल में एक लेक है, वैसी जो सात ताल है वहाँ पे 7 लेक्स हैं एक साथ। तो वहाँ पे आज हम घूमने जाएंगे और बहुत ज्यादा यूनिक जगह है और वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। तो आपको आज विजिट कराएंगे कि सात ताल कैसा है और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो चलो चलते हैं और आज के ब्लॉग में मजे लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं राजीव भाई के साथ। राजीव भाई के साथ लास्ट टाइम ट्रिप मारी थी पूर्णागिरी की, और पूर्णागिरी भी इसी से कहते हैं। और आज हम सात ताल भी इसी से जाने वाले हैं। सात ताल जाएंगे हम हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए, तो बीच में भीमताल ही पड़ेगा, तो सब जगह एंजॉय लेते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम से आगे, जिस लोकेशन से मैं हमेशा ब्लॉग शुरू करता हूं, अभी हम उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं। तो ये वाली जो रिवर है, ये है गौला रिवर, जो कि ऊपर पहाड़ से आ रही है। और ये पुल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि ये जो पुल है ना, रील वगैरह शूट करने के लिए एक नंबर पुल है। और राजीव भाई अपनी स्नैप शूट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से लगभग जो सात ताल है वो रह गया 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर का मतलब हो गया कि समथिंग 1 घंटा या 1.5 घंटा भी और लगने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ पे गाड़ी है ना, वो 30 या 35 चलती है। तो अभी चलते हैं आगे, अब स्टॉप लेंगे भीमताल में, क्योंकि भीमताल जो है ना, वो बेस कैंप है। भीमताल से आप पूरे उत्तराखंड में कहीं भी जा सकते हो, नैनीताल, नौकुचिया ताल, बद्रीनाथ केदारनाथ, मतलब वो जाता है सब भीमताल से ही। तो हम भीमताल जरूर जाते हैं। अभी हम रुके हुए हैं भीमताल से थोड़ा पहले, जहाँ पे हर बार रुकते हैं वहाँ पे तो नहीं रुके हैं, बट यहाँ पे नीचे ये देखो, उत्तराखंड में ना ऐसे रास्ते होते हैं नीचे गाँव के लिए। तो ये जो रोड गया है ना, ये नीचे गया हुआ है, गाँव में गया हुआ है, ये कोई ना कोई गाँव होगा पक्का। ये देखो, ये सीधे नीचे गया हुआ है, और वो देखो ये जितने भी दिखाए ना नीचे, सब में गाँव और हैं। तभी तो हमें जाना सात ताल, और सात ताल यहाँ से समथिंग है अभी 20 किलोमीटर होगा। तो अभी आधा पौन घंटा और लग जाएगा, अभी तो हम भीमताल भी नहीं पहुँचे, कुछ देर भीमताल में भी स्टे करेंगे। वो देखो ये जो रोड है ना, वो देखो वो दिख रहा है, वो आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, वहाँ तक गया है और भी नीचे गया होगा। तो ये हमारे यहाँ पे ना उत्तराखंड में नीचे 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 पूरे पहाड़ में हर जगह गाँव होते हैं, और छोटे छोटे घर, जगह जगह 10 घर 5 घर 10 घर 5 घर ऐसे बने हुए होते हैं पूरे पूरे पहाड़ पे। फिलहाल दोस्तों, हमने मस्त लोकेशन विजिट कर लिए और अब हम जा रहे हैं आगे भीमताल की तरफ। तो भाई मजा आया ना, अभी हम रील बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पे आजकल हम कुछ नए नए कारनामे करने लगे हैं ना, तो अगर आप लोग पहाड़ पे आते हैं तो हेलमेट जरूर लेके आए, क्योंकि भाई यहाँ पे पहाड़ में रिक्स ये है कि ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं पट से सर पे, और आदमी फट जाता है। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं भीमताल, और आपको भीमताल पता नहीं मैंने इतनी बार ब्लॉग में दिखा दिया कि आप भीमताल देख देख के बोर होंगे। भीमताल भाई बेस कैंप है, अगर आपको उत्तराखंड में कहीं भी जाना है ना, तो सबसे पहले आपको भीमताल ही आना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल सुकून भरी जगह है ये, और यहाँ पे आप चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं म्यूट हो रहा हूँ, और चिड़ियों की आवाज़ सुनो, एक अलग ही सुकून है यहाँ पे। मेरे पास DSLR वगैरह नहीं है, वरना सामने बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। और ये जो आपको लेक दिख रही है, ये है सूखा ताल। ये अभी भरा हुआ है इसलिए क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, वरना ये सूखा रहता है। तो टोटल यहाँ पे सात ताल है, तो सात ताल को मिला के ये सात ताल बनता है। तो अभी हमने आपको पहला ताल दिखा दिया है, और अभी आगे चलते हैं, आगे और भी ताल है, बट ये लोकेशन एक नंबर बढ़िया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, दूर दूर तक आप देखना कोई भी, नो ट्रैफिक, नो कुछ, मतलब आप अगर भीमताल और नैनीताल वगैरह जाएंगे तो आपको वहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सुकून है भाई। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, अभी और लेक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तो हम रुक गए थे क्योंकि हमें ये सूखा ताल दिखाना था, और ये लोकेशन एक नंबर है। बस जितने भी बाहर के टूरिस्ट आते हैं ना, उनसे छिपी हुई है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें पता होता है, वरना कोई इस लोकेशन पर नहीं आता है, लेकिन ये लोकेशन बहुत प्यारी है। तो दोस्तों अभी हम करने वाले हैं वोटिंग, और वोटिंग करेंगे हम सेल्फ, यानी कि हम अकेले करने वाले हैं। तो अभी हमने वोटिंग करी है यहाँ पे 200 रुपये पर हेड में, मतलब 200 रुपये पर बंदा। तो मैं और राजीव भाई जाने वाले हैं, एक अभी बोट लेंगे और चप्पू से चलाएंगे, जैसी रिवर राफ्टिंग होती है ना, उसी टाइप की यहाँ पे हमें बोटिंग का मजा आने वाला है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि भीमताल नैनीताल में तो बहुत वोटिंग करी है, लेकिन हम यहाँ पे मस्त अकेले वोटिंग करने वाले हैं। तो अभी आपको वोट भी दिखाएंगे कैसी है।
तो यहाँ पे हम अपना सामान रख देंगे, ये इनकी दुकान है। अपना हेलमेट और बैग हम यहीं रख देंगे, और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। ऐसे डूबता ही नहीं है? नहीं, ये लाइफ जैकेट है। हाँ। हो गया काम, स्टार्ट हो गया। साइज साइज की है ये तो। ये सब की बन जाती है। ये खिंच जाती है। तो अभी हमने ले लिए पैडल और पहन लिए लाइफ जैकेट, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग जगह है। ऐसा है ना कि यहाँ पे शांति बहुत है, और शांति के बीच जो बर्ड्स हैं उनकी जो चहचहाट है तो उसका एक अलग ही सीन है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे छोटी छोटी बोटिंग है। मेरी तो फट रही है यहाँ पे बोटिंग करने में, देखते हैं क्या होता है। हम इसमें आ तो गए लेकिन हमारी बहुत फट रही है क्योंकि ये बोट देखो कितनी छोटी सी है। ये क्या कहते जी? ये देखो झील। वैसे मजा तो आ रहा है। तेरे भाई को आ गई बोटिंग चलाने। हमारा राजीव भाई हमें चप्पू मार रहा है। अब बोटिंग चलाने आ गई भाई तेरे भाई को। ये सब बोट वाला बन गया यार। हमें नहीं पता था कि इतनी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटी होती है, वरना मैं अपनी गोप्रो की एक्सरसाइज लेके आता तो आपको और मजा आता। अभी तो मैं डर लग रहा है कि गोप्रो ना गिर जाए, उसमें गिर गया तो मिलेगा भी नहीं। दोस्तों एक अलग ही आनंद का अनुभव है यहाँ पे भाई। अपने आप सेल्फ बोटिंग करो लेकिन पूरा मजा आ रहा है। ये देखो बहुत भाई, हम जन्नत के मजे हैं कसम से यार। पानी ठंडा, ग्रीन पानी एकदम, और हम दोनों चप्पू चला रहे हैं, मजा बहुत आ रहा है। लेकिन और सब मछलियां भी हैं यार। अगर दोस्तों ढंग से बोटिंग करनी है तो 7 साल तो आना पड़ेगा। मेरी जान, मेरी जान। भाई यार देखो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, वो देखो सामने वो बंदा देखो, पूरे मजे ले रहा जिंदगी के, लटक रहा है। फाइनली बोटिंग अभी हमने कर ली है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। आ जाओ आ जाओ, पैसा वसूल हो गया। इधर से आ जाओ। एक्चुअली ना बारिश होने लगी है, चलिए हम बोटिंग में से बाहर आ गए। पता लग रहा है पानी भर जाए। 400 रुपये पूरे वसूल हो गए भाई। अरे और ये देखो, मेरी चप्पू मारते मारते मेरी पूरी पैंट भीग गई। देखो दोस्तों यहाँ पे तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि सारा मज़ा किरकिरा होने वाला है। अगर ये बारिश नहीं रुकी ना तो हमारा सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बट हमने बोटिंग करके पूरे के पूरे 200 रुपये वसूल कर लिए हैं। मजा बहुत आया बोटिंग में। तो अभी हम थोड़ा आगे को जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो 3 लेक्स है ना वो मिली हुई हैं। उन लेक्स का नाम शायद मेरे हिसाब से लक्ष्मण लेक, सीता लेक और राम लेक। तो वो तीनों लेक पहले अलग अलग थी, अब सिमिलर हो गए, मतलब एक ही में मिल गई हैं। भाई अभी तो मस्त तेज बारिश आ गई है। ये देखो ये हेलमेट नहीं उतार रहा, जोमेटो वाला लग रहा है। जोमेटो वाला ऐसे तो स्माइल देता। दोस्तों अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं 7 साल में कुल्हड़ वाली चाय। एक्चुअली यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया बंद मक्खन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है। इसके बीच में ना मक्खन लगा हुआ होता है, ये देखो, जिसको अभी हम चाय के साथ खाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी कुछ बारिश हल्की हुई है तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ देखने कैसा क्या है। हमने ठीक किया पहले बोटिंग कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये बतख वाली भी बोट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमने भाई सेल्फ वाली चलाई थी, चप्पू मार मार के खुद मेहनत करी है पूरी। हाँ भाई ये देखो इस बोट में तो पानी भर गया। हम लोग इसी बोटों में बैठे थे, इन्हीं बोटों में। अच्छा हुआ कि टाइम से चलेगा। अब देखो सब पानी भर गया, वरना तो डूब जाते भाई अपने। यहाँ पे पंजिंग जंपिंग होती है, ये जिप लाइन, पंजिंग जंपिंग सब कुछ होता है यहाँ पे। फोटो ले लूँ। वैसे लोकेशन अच्छी है। हाँ अगर दोस्तों आप उत्तराखंड में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो और प्लस आपको सुकून मिले, ज़्यादा रस ना हो, तो आप 7 ताल आइए, बहुत मज़ा आएगा। एकदम फुल्ली व्यू, खुला मज़ा भाई। बोटिंग एक्टिविटी भी कर सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटी, जिपलाइन एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग, सारा सब कुछ है। अभी पता नहीं हम कौन सा ट्रैक कर रहे हैं 7 ताल में। तो यहाँ पे अभी एक जगह मिली है ना, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कितना ऊंचा जाना पड़ेगा। और पीछे भाई पूरी लेक है, तो कुछ लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे हम भी भेड़ चाल चल रहे हैं। तो भाई लोगों अभी हम आए थे 7 ताल, और 7 ताल में बहुत सारे भाई लोग मिले हैं। तो कहाँ से हैं आप लोग? हम जी सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है? ये सुल्तानपुर पड़ेगा लखनऊ से हैदराबाद। तो आप इतनी दूर से आए हुए? दोस्तों बरसात का मौसम है और लोकेशन एक नंबर है। हमारा राजीव भाई ऊपर देखने गया है। कुछ कोई बढ़िया व्यू है? कुछ नहीं है। ये
एक घर बना हुआ है, इसमें कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये लोकेशन हम लोगों के लिए नहीं है, ये लोकेशन है सिर्फ उन लोगों के लिए जो जोड़े में आते हैं। सुनसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, पर घर है, ऐसा लग रहा है कि भूत बंगला। ये लोकेशन सिर्फ जोड़ों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लोकेशन बहुत बढ़िया है। ये रास्ता बहुत बढ़िया है दोस्तों, यहाँ से व्यू देखिए आप। वेरी नाइस एंड अमेजिंग लोकेशन साताल। ऊपर कुछ ज्यादा खास देखने को है नहीं, लेकिन लोकेशन एक नंबर है। अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का शौकीन है ना, तो ऊपर लोकेशन पे जाके जरूर बनाइए, मजा बहुत आने वाला है। ओ भाई या भैया, गंगा जी में गोते लग गए। अब फिलहाल चलने का टाइम आ गया, अब यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल हमने मजा तो बहुत कर लिया, राजीव भाई मजा आया बहुत ज्यादा, पैसा वसूल है, नैनीताल से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कैची धाम। वैसे कैची धाम का हमने सोचा नहीं था और कोई प्लान नहीं था, तो 7 साल से जो कैची धाम था वो लगभग 17 किलोमीटर दूर था, तो हमने कहा क्यों ना 17 किलोमीटर पीछे तो बाबा के द्वार चलते हैं। ये देखिए आज भीड़ भाड़ कम है, आराम से दर्शन कर लेंगे, चलें। दोस्तों अभी यहाँ पे प्रसाद ले लेते हैं, फिर चलते हैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने। फिलहाल अभी प्रसाद तो ले लिया और हमको ना पूरा 1 घंटा लग गया वहाँ से आने में। वहाँ से हम 1:30 बजे निकले थे 7 साल से, और यहाँ पे आते आते 2:30 बज गया। एक अलग ही वेव है यहाँ पे। दोस्तों फिलहाल दर्शन तो हो गए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मन एकदम बाबा जी का भाई, मज़ा आ गया अंदर जाके। भाई भाई रील बनानी, रील अब कहाँ रील बनेगी ऐसा, यहाँ पे लोग इतना फोटो खिंचा रहे हैं ना, देखो वो सामने बाबा दिख रहा है ना, उनके पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है भाई, और हम GoPro से काम चला रहे हैं। यदि आप कैची धाम आइएगा तो जब भी आप यहाँ से बाहर आएंगे ना, तो आपका मन बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है अंदर, एक बिल्कुल स्पिरिचुअल फीलिंग अंदर आती है, संपूर्ण आनंद का अनुभव है यहाँ पे। इस मंथ में दूसरी बार आ गया हूँ, अगले हफ्ते का फिर आ जाऊँ, जितनी बार आ जाऊँ ना यहाँ पे मन नहीं भरता है मेरा। हमारे राजीव भाई यहाँ से हेलमेट निकालते हुए, दोस्तों मज़ा ही आ गया। अब हम भीमताल में करेंगे भोजन और फिर उसके बाद घर वापस। अभी दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में काठगोदाम, लगभग काठगोदाम से समथिंग 7 या 8 किलोमीटर पहले। तो भूख लग रही थी, ऊपर कुछ खाया ही नहीं, खाली चाय और वो क्या था, बटर ब्रेड थे, पता नहीं क्या था, बटर बंद वही खाए थे। अभी यहाँ पे हमने मस्त मैगी ऑर्डर कर दी है, पहाड़ में आए और मैगी नहीं खाई तो कोई फ़ायदा नहीं होता भाई पहाड़ आने का। यहाँ पे लेटने का भी जुगाड़ मिल गया हमें, खटिया मिली है भाई। राजीव भाई सामने लेटा है, मतलब बैठा हुआ है, और मैं भाई मस्त यहाँ पे लेटा हूँ। थकान हो जाती है भाई, थोड़ा सा भी ट्रैवल कर लो ना, थकान हो ही जाती है। तो दोस्तों अभी हमारी गर्मा गर्म मैगी आ चुकी है भाई, ये मैगी और ये राजीव भाई की। ठीक है, पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों की लड़कियाँ हर किसी को नसीब नहीं होती हैं। फिलहाल दोस्तों हमारी मैगी तो फिनिश हो गई है, अब चलते हैं घर वापस। अब सीधे जो हमारी गाड़ी है ना घड़ी रुकेगी, भूख लग रही थी बहुत तेज, तो सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं भाई। फिलहाल दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर, तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इसके से ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया जर्नीस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।